वीवो ने अपना एक और कलर चेंजिंग स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है वीवो V25 Pro। और आप इस स्मार्टफोन को मत खरीदना। क्यों मत खरीदना ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस स्मार्टफोन से रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिनको जानकर आप भी इस स्मार्टफोन को नहीं खरीदोगे। अगर आपके पास ज्यादा पैसे है तो आप भले ही इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, अदरवाइज वीडियो को पूरा जरूर देखना। डिजाइन की अगर बात की जाए तो इस स्मार्टफोन में भी आपको V23 Pro की तरह कलर चेंजिंग बैक मिलने वाला है जिससे आप काफी यूनिक चीजें कर सकते हो। बट इन यूनिक चीजों को देखकर स्मार्टफोन को मत खरीद लेना वरना आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। पहले तो मैं आपको इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। डिस्प्ले की अगर बात की जाए तो इसमें आपको 6.5 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगी जिसमें आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। फ्रंट साइड में आपको पंचोल कटआउट मिल जाता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। डिस्प्ले के बारे में जरूर कहूंगा मैं कि इस स्मार्टफोन में आपको काफी अच्छी डिस्प्ले मिलने वाली है। 120Hz का रिफ्रेश रेट, एमोलेड पैनल, पंचोल कटआउट के साथ में आपको डिस्प्ले में परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिलेगा। बात करूं मैं कैमरास की तो इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल जाएगा। जो V23 Pro स्मार्टफोन था उसमें आपको 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिला था। ये तो गाइस उसका सक्सेसर है तो इसमें थोड़ा सा कैमरा इंप्रूव होना था, बट इसमें आपको डाउनग्रेड कैमरा सेटअप मिलने वाला है। इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का मिलेगा प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर। इसमें आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन की सुविधा मिल जाएगी। फ्रंट कैमरे की अगर बात करूं तो इसमें आपको केवल 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, वहां पर आपको 50 मेगापिक्सल का सेंसर मिला था। तो कैमरे में आपको काफी सारे डाउनग्रेड देखने को मिलेंगे V25 Pro स्मार्टफोन में। कैमरा क्वालिटी आपको Vivo V23 Pro स्मार्टफोन में बेटर देखने को मिलती है V25 Pro से। बात करूं मैं प्रोसेसर की तो इसमें आपको प्रोसेसर मिल जाता है ऑक्टाकोर का मीडियाटेक डायमेंसिटी 1300 का। इसमें आपको प्रोसेसर मिलेगा जिसके साथ आपको एंड्रॉइड 12 देखने को मिलेगा, 8GB रैम, 128GB की स्टोरेज, 12GB रैम, 256GB की इसमें आपको स्टोरेज ऑप्शन मिल जाएंगे। प्रोसेसर पिछले स्मार्टफोन से थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया है, बट गाइस इसकी जो प्राइस रखी गई है ना वो मुझे इस प्रोसेसर के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक ठाक नहीं लगी। बात करूं मैं बैटरी की जिसमें आपको 4830mAh की बैटरी मिल जाएगी जिसके साथ आपको 66W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। बैटरी की फास्ट चार्जिंग भी आपको ठीक मिल जाती है, बैटरी भी आपको ठीक मिल जाती है। तो अब मैं आपको इस स्मार्टफोन की प्राइस बता देता हूं और मैं खरीदने के बारे में क्यों मना कर रहा हूं वो बता देता हूं। इससे पहले यार अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। तो Vivo V25 Pro स्मार्टफोन की प्राइस इंडियन मार्केट में रहने वाली है 8GB की रैम, 128GB की स्टोरेज के साथ 40,000 रुपए, 12GB की रैम, 256GB की स्टोरेज के साथ 44,000 रुपए इसकी प्राइस रहने वाली है, जिसके साथ आपको केवल डायमेंसिटी 1300 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा और कैमरा भी आपको पिछले से डाउनग्रेड देखने को मिल रहा है। इन वजह से मैं आपको इस स्मार्टफोन को खरीदने के बारे में मना कर रहा हूं। और गाइस एक बात, और ये वीडियो मैंने स्मार्टफोन लॉन्च होने से पहले बना ली है। ये प्राइस जो मैंने आपको बताई है गिज़्मो चाइना की रिपोर्ट के मुताबिक बताई है। अगर प्राइसेस में कोई चेंजेस होते हैं तो मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन पार्ट में डाल दूंगा, कमेंट में पिन कर दूंगा। अगर ये वाली प्राइस रहती है तो आप इस स्मार्टफोन को बिल्कुल मत खरीदना। अगर प्राइस कम रहती है तो मैं अपना ओपिनियन इस वीडियो के कमेंट में पिन कर दूंगा। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेना, इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में।